आने वाले गणेश पर्व सहित हर एक धार्मिक उत्सव के अंतर्गत गाइडलाइन यानी कि मार्गदर्शिका प्रसिद्ध करने की मांग करते हुए आज कई श्रद्धालु लोग और विश्व हिंदू युवा संगठन द्वारा कॉरपोरेशन कचेरी में मोर्चा स्वरूप आवेदन पत्र दिया गया। आने वाले गणेश पर्व सहित हर एक धार्मिक पर्व को मनाने की मांग करते हुए और मार्गदर्शिका यानी कि गाइडलाइन प्रसिद्ध करने की मांग करते हुए आज गणेश भक्त सहित विश्व हिंदू युवा और सांस्कृतिक संगठन द्वारा कॉरपोरेशन कचेरी में मोर्चा स्वरूप आवेदन पत्र दिया गया। जाहिर सी बात है कि पिछले वर्ष भी कोरोना वायरस की महामारी अंतर्गत गणेश पर्व सार्वजनिक नहीं लेकिन सादगीपूर्ण माहौल में मनाया गया था, तो वहीं इस वर्ष कोरोना वायरस की महामारी अंतर्गत संक्रमण काफी कम हो चुका है और हर रोज पॉजिटिव केस की तादाद में भी घटावा होने के साथ कम केस दर्ज हो रहे हैं। ऐसे में अब से ही सरकार द्वारा गणेश पर्व सहित हर एक सार्वजनिक पर्व को ध्यान में रखते हुए मार्गदर्शिका यानी कि गाइडलाइन प्रसिद्ध करनी चाहिए, वैसी मांग करते हुए आज विश्व हिंदू युवा और सांस्कृतिक संगठन तथा गणेश भक्तों द्वारा कॉरपोरेशन कचेरी में मोर्चा स्वरूप आवेदन पत्र दिया गया, जिसमें भारी सूत्रोच्चार लगाते हुए गणेश मंडल के अग्रणियों द्वारा आवेदन पत्र देने के साथ म्युनिसिपल कमिश्नर शालिनी अग्रवाल को गणेश जी की प्रतिमा भेंट स्वरूप देते हुए निकाल और उनके हित में न्यायकारी कामगिरी करने की मांग की गई थी और अगर आने वाले दिनों में जल्द से जल्द इस बारे में फैसला नहीं लिया जाएगा तो वहीवटी तंत्र की ओर से गणेश मंडल भी जरूरी मार्गदर्शन देंगे और आंदोलन करेंगे, वैसी भी चेतावनी दी गई थी। महानगर सेवा सदन के जे क्या क्या संस्कार विहीन थी गयु एवं महानगर सेवा सदन अधिकारी ने अमे हमना संस्कारों याद करावा आव्या छे कि आवनार दिवसों अंदर हिंदू अने साथे साथे बीजा तमाम धर्मना लोकोना त्योहारोनी शरूआत थवानी छे, तो तमारी जे कंई पण गाइडलाइन छे ए तमाम गाइडलाइन तमामे तमाम त्योहार उजवनारा लोको मानवा तैयार छे, पण गाइडलाइन आपो तो खरा। आजे थोड़ाक दिवसों अंदर त्योहारों की शुरुआत थे, दशामा की शुरुआत थे, गणपति की शुरुआत थे, नवरात्रि की शुरुआत थे, रमजान की तमाम त्योहार की शुरुआत थे, तरह हज तक कोई गाइडलाइन पड़वा नहीं आई। छेल्ला दिवसे वडोदरा प्रशासन एक नियम रहो कि छेल्ला दिवसे जागवु और तमाम लोग ने भगावा शुरू कर देव, ए नीति नियमों ने तोड़ो, जल्दी से जल्दी गाइडलाइन आपो ताकि वडोदरा शहर जो संस्कारी नगरी तरीके ओळखाय छे एमना पोताना संस्कारों ने जाळवी अने ए संस्कार प्रमाणे ना त्योहारों ने उजवे एवी मांग साथे अमे कॉर्पोरेशन आपी। ભાઈ આજે મૂર્તિ અને ફોટો પણ લઈને આવ્યા છો, શું કેવી રીતે આ ક્યાંક ને ક્યાંક અમને એવું લાગે છે કે કોર્પોરેશન એવું ભૂલી ગયું છે કે હિન્દુ છે, સત્તામાં બેસેલા લોકો એવું ભૂલી ગયા છે કે હિન્દુત્વના નામે જીત્યા છે, ત્યારે અમે મૂર્તિને ફોટા લઈને એમને આપવા આવ્યા છે, એમને જતાવા બતાવવા આવ્યા છે કે તમારું જે નામ છે કમિશનર હોય શાલિની અગ્રવાલ હોય કે મેયર કેવું રોકડિયા હોય કેવા તમામ અધિકારીઓ છે એમનું નામે હિન્દુ ધર્મમાં આવતા નામો છે અને તમે એ જ ધર્મને મારી રહ્યા છો એ ના કરીને અને તહેવારો ઉજવવાની પરવાનગી આપો એ માટે યાદગીરી માટે અમે આ મૂર્તિ અને ફોટા લઈને આવ્યા છીએ। રથયાત્રાની પરમિશન આપવામાં આવી છે પણ હજી સુધી અહીંયા કોઈ ગાઈડલાઇન્સ પાલન નથી થયું ને વડોદરા શહેર એ ક્યાંક ને ક્યાંક મેં જણાવ્યું એવી રીતે વેસ્ટર્ન કલ્ચર તરફ કન્વર્ટ થઈ રહ્યું છે, એટલે જ એમને રથયાત્રા હોય કે બીજા તહેવારો એ દેખાતા નહીં। અમદાવાદ જે ગુજરાતમાં ટોપ પર રહ્યું હતું કોરોનાના સમયમાં, એ છતાં એ શહેરે પરવાનગી આપી દીધી પરંતુ વડોદરાએ નહીં આપી, એનો મતલબ કે આ લોકો ભૂલી ગયા છે એમનો ધર્મ જે યાદ કરાવવા આવ્યા છે આજે અમે। પવન ગુપ્તા।